नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का हिंदी की इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपकी मैम डॉक्टर संजू एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक और कविता के साथ में प्रस्तुत हूँ। बीए फाइनल की पेपर फर्स्ट की इस क्लास में आज हम लोग रघुवीर सहाय की एक और कविता पढ़ेंगे, हंसो हंसो जल्दी हंसो। हंसो हंसो जल्दी हंसो नाम से इनका काव्य संकलन भी है। रघुवीर सहाय के परिचय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत पसंदीदा कवियों में से है मेरे, और जो भी जिम्मेदार सरोकार युक्त व्यक्ति है उनका होना भी चाहिए। दूसरे सप्तक में संकलित रघुवीर सहाय का जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था और 1994 में इनका निधन हुआ था। सप्तकों के संपादक अगे ने दूसरे सप्तक के इस विलक्षण कवि रघुवीर सहाय की काव्य भाषा की बहुत तारीफ की थी। शहरी परिवेश लेकिन सरोकार से ताजगी पूर्ण भाषा के लिए इनको अगे ने बहुत सराहा था। कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियां और लोग भूल गए हैं इनके काव्य संकलनों के नाम है। लोग भूल गए हैं पर ही इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। स्वातंत्रोत्तर भारत में बुद्धिजीवियों के मोह भंग की कविताओं को लिखने वाले में धूमिल और रघुवीर सहाय शीर्षस्थ स्थान पर रखे जाएंगे। रघुवीर सहाय की कविताओं में राजनीति अपनी पूरी धज के साथ है। किसी ने इनसे कहा था कि इनकी कविताओं में राजनीति बहुत होती है, तो रघुवीर सहाय ने जवाब दिया था कि आज के युग में या किसी भी युग में गैर राजनीतिक होना एक निहायती स्वार्थी फैसला है। हम लोग गैर राजनीतिक होना अपनी सुविधाओं के लिए चुनते हैं। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपकी एक राजनीतिक चेतना सक्रिय होनी चाहिए, आपको राजनीतिक रूप से चेतन और प्रतिबद्ध होना चाहिए। आप मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, क्या कह गए थे रघुवीर सहाय कि हमें कई लोग बोलते ना, मैं पॉलिटिक्स में पढ़ाई को नहीं, ये तो सुविधा है, पॉलिटिक्स में पढ़ो, देखो क्या चल रहा है देश में, क्या चल रहा है सूबे में, राज्य में, प्रांत में, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, जो गलत है, अनैतिक है, असंवैधानिक है, और उन सबके विरुद्ध आवाज उठाना, विरोध करना, सच के लिए प्रतिकार करना, बोलना, हक की लड़ाई लड़ना। और जो नाहक ही कुचले जा रहे हैं, मजलूम है, शोषित है, पीड़ित है, उनके लिए बोलना, उनके पक्ष में बोलना, ये राजनीतिक होना नहीं है, ये सच में अपने जिंदा होने का सबूत देना है। इसी को हम लोग पॉलिटिक्स में पढ़ना, राजनीतिक होना कहते हैं, और इसकी हिमायत की है रघुवीर सहाय ने कि बिल्कुल राजनीतिक होना चाहिए। क्यों होंगे हम गैर राजनीतिक? हम सिर्फ क्या एक दिन वोट देने के लिए आए हैं? और एक दिन का मतदाता जो शराब के बदले बिक जाता है, कौवे के बदले बिक जाता है, 200-400 के बदले बिक जाता है, इवन ऑटो में बिठा के, पैदल नहीं जाना पड़े, ऑटो में बिठा के वोट देने ले जाओ उसके बदले में बिक जाए, नहीं, ऐसे निरीह मतदाताओं के लिए इन्होंने रामदास नाम से काफी कविताएं लिखी है। इनकी और भी बहुत सारी कविताएं हैं जिनमें कुछ छोटी छोटी कविताएं बहुत चर्चित है। पढ़िए गीता हमारी किताब में चलती है, पाठ्य पुस्तक में, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। आज की कविता है हंसो हंसो जल्दी हंसो, काव्य संकलन से ही है। हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, हंसो अपने पर ना हंसना क्योंकि उसकी करवाट पकड़ ली जाएगी और तुम मरे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश ना मालूम हो वरना शक होगा कि यह शख्स शर्म में शामिल नहीं और मरे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो किस पर हंसते हो, सबको मानने दो कि तुम सबकी तरफ परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो, जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय। जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से, गूंज थमते थमते फिर हंसना।
क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे, अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द है, कहीं उनमें अर्थ ना हो जो किसी ने 100 साल पहले दिए हो। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे, और ऐसे मौकों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहां कोई कुछ कर नहीं सकता उस गरीब के सिवाय, और वह भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो, जल्दी हंसो, इसके पहले कि वह चले जाए, उनसे हाथ मिलाते हुए नजरें नीचे किए उनकी याद, उनको याद दिलाते हुए हंसो कि तुम कल भी हंसे थे। आपने अगर गौर किया हो तो यह एक बहुत ही तीखी कविता है, सत्ताधारियों पर, ताकतवरों पर करारा व्यंग करने वाली कविता है। एक छोटा बच्चा जिसका एक ताकतवर लड़का टिफिन छीन ले और वो विरोध नहीं कर सके, पता हो कि विरोध करने का मतलब और पिटेगा, तो वो खिसियानी हंसी थी, ठीक है भैया आप खा लो, कोई बात नहीं है, हम तो एक्स्ट्रा लाए थे, हम तो घर से खा के आए थे, जिस तरह निकल जाता है ये हंसी उस बच्चे की जो बेबस हंसी है उस पर ये लिखी गई है। आपको पिटने का डर हो, अगर आप किसी राजा की बात पे ताली ना बजाए तो आपका हंस देना कितना मजबूर है, आपकी हंसी कितनी मायूस है, उस पर ये कविता है। जब जब भी आपको नहीं हंसना चाहिए तब तब भी आप हंस पड़ते हो, तो आपकी हंसी कितनी कुत्सित है, कितनी गलीज है, उस पर ये कविता है। औरतों पर चुटकुले बनते हैं, बच्चों पर चुटकुले बनते हैं, कमजोर पर चुटकुले बनते हैं, कालों पर चुटकुले बनते हैं, नाटों पर चुटकुले बनते हैं, ऐसे हर उस व्यक्ति पर चुटकुले बनते हैं जो हमें कमतर लगते हैं, और उस चुटकुले पे जब हम ना हंसे क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि ये गलत है हंसना, तो बहुत मुश्किल है उस भीड़ में अकेले खड़े रह पाना, और वहां इसलिए हंसना कि तुम्हारे नहीं हंसने से तुम्हारी गर्दन नप जाएगी। वो हंसी कितनी मजबूर हंसी है, दारुण हंसी है, इस बात की एक कविता है। इस कविता में अर्थ की गहरी पढ़ते हैं, एक तरफ ये कविता करारा व्यंग करती है तो दूसरी तरफ मजबूरियों की खुर्दबीनी खोज करती है। गहरी परख से, दूरबीन की नजर से परतों के भीतर किसी चीज को देख लेना खुर्दबीनी नजर कहलाएगा। कैसे कैसे परिस्थितियों में, कैसे कैसे लोगों के सामने, कैसे कैसे बातों पे हमें हंसना पड़ता है दो वक्त की रोटी के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, यह कविता उसकी बात करती है। आप अगर इस कविता को नहीं समझेंगे तो ये मेरी कमजोरी मानूंगी मैं, लेकिन दिमाग का सेटअप, परवरिश, पहले का पढ़ने से अब तक का बना हुआ मानस, तक की बनी हुई बौद्धिक क्षमता, उसका पूरा रोल होता है किसी कविता को समझाने में, इसको भी मत भूलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप कविता समझें, साथ में गुजारिश करूंगी कि आप लगातार पढ़ते रहें, ताकि एक कविता को पढ़कर आपकी दूसरी कविता थोड़ी सरल हो जाए, आप थोड़ा आसानी से किसी चीज को समझ पाए। हंसो तुम पर निगाह रखे जा रही है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, परसों पुरानी चीजें हमारे सामने आ जाती है, जरा सी हम कुछ ऐसी बात बोले तो। वैसे भी इस साइबर समय में प्राइवेसी इज अ मिथ, कुछ भी गोपनीय हम रख पा रहे हैं ये हमारा वहम है, हमारा भ्रम है। लेकिन जब आपके व्यवहार पर नजर रखे जा रही हो कि आपको सिला दिया जा सकता है, सजा दी जा सकती है, प्रतिक्रिया की जा सकती है, और वो आपके लिए घातक और मारक सिद्ध हो सकती है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेचुरलिटी, नेचुरल प्रोसेस, स्वाभाविकता, प्राकृतिक स्थिति सब खत्म हो जाती है। किसी घटिया बात पे आपके बॉस, आपके अधिकारी, आपके सीनियर्स हंस रहे हो, और उस समय आपका उस बात पर नहीं हंसना,
उनको आभास दिला जाता है कि आप उनके पक्ष में नहीं हैं। यहाँ पर यही बात है, हंसो तुम पर निगाह रखी जा रही है, वैसे में जबरदस्ती हाँ हाँ ये कर दो, नहीं तो बोलेंगे अच्छा हमने तो अभी हंसने की बात करी है, बंदी तो हंसी नहीं। हंसो अपने पर ना हंसना, हंसो लेकिन अपने पर मत हंसना, क्योंकि उसकी करवाट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। कई बार हम हालात से घबरा कर, परिस्थितियों से चूर होकर खुद का मजाक बनाने लगते हैं, तो सत्तासीनों के सामने, ताकतवरों के सामने, जिनके आप अधीनस्थ काम करते हैं उसके सामने अपने ऊपर इतना भी मत हंसना कि तुम व्यवस्था से कुंठित हो, तुम्हारे मन में कड़वाहट है, ये बात तुम तक पहुंच जाए, नहीं तो मारे जाओगे। हिंदी फिल्मों में तो इस तरीके से घटियापन को लेकर के काफ़ी दिखाया है, आप उसको थोड़ा सा एलिवेटेड करके उत्कृष्ट लेवल पे ला के समझ सकते हो कि हीरो किसी के यहाँ कोई और नाम से काम कर रहा है, वहाँ दो नंबर का धंधा हो रहा है, लेकिन हीरो उसकी हर गलत बात में हाँ मियाँ मिलाता है। अगर वो हाँ मियाँ नहीं मिलाए और उसी टाइम अपने एंग्री यंग मैन की छवि में आ जाए, गुस्से में आ जाए, फैक्ट्री तोड़ने लगे, दो नंबर के धंधों पे ताला लगवाने लगे, तो वो समय से पहले मर जाएगा, वो अपना काम उस तरह से नहीं कर पाएगा जिस तरह से करना चाहिए। इसलिए हंसो पर अपने पर ना हंसना, क्योंकि उसकी करवाट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश ना मालूम हो। एक और बात कह रहे कभी कि हंसी में इतने ज्यादा उन्मुक्त मत हो कि सामने वाले को लग जाए कि दिल से हंस रहा है, सच में हंस रहा है, और हमारे होते इसकी ये औकात कि सच में हंस रहा है। इस क्रूर समय में, इस निर्मम समय में, शोषण की पराकाष्ठा के समय में ये हंस रहा है, ये खुशी अफोर्ड कर रहा है, नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है। खुश मालूम पड़ गए तो देख लेना क्या होगा, वरना शक होगा और ये शख्स शर्म में शामिल नहीं होगा, तुम फिर उनकी शर्म में शामिल नहीं होगे, गलत बात में शामिल नहीं होगे और मारे जाओगे। आज कविता का हमने प्रारंभिक अंश किया, कल हम इसका आगे का अंश करेंगे और कविता समाप्त कर लेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय प्रतिज्ञा नाम से एक और कविता बचेगी रघुवीर साय की, और हमारा लेशन पूरा हो जाएगा। तो आज इतना ही, बने रहिए, देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए।